सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे एयरटेल थैंक्स ऐप में बैलेंस ऐड करते हैं अपने डेबिट कार्ड एटीएम को इस्तेमाल करके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट एक बनाना पड़ेगा एयरटेल थैंक्स में, जो कि वहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन जितना भी पेमेंट होता है सारे कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा कैशबैक भी मिल जाएगा। तो कैशबैक भी मिलता रहता है वहाँ से और रिचार्ज जो भी ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं सारे कर सकते हैं। तो अभी तक आपको पता नहीं है कैसे एयरटेल थैंक्स में अपना अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो इसमें ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। तो वहाँ से क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और सीख के उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एयरटेल का और मिल जाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो देख सकते हैं जो कि ये जिस मोबाइल नंबर से मैं क्रिएट किया हूँ इसमें क्या क्या ऑफर चल रहा है। जो भी आप एयरटेल मोबाइल नंबर से क्रिएट करेंगे अकाउंट उसमें सबसे पहले ओपन करेंगे तो दिखाएगा, देख सकते हैं जो कि डाटा का जितने भी डाटा होता है जो भी डाटा का डिटेल है वो सारे दिखाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ डेली डाटा लिमिट दिखा रहा है मेरा 2 GB, देख सकते हैं अनलिमिटेड कॉल है। तो जो भी यहाँ पे जो भी इसका डिटेल रहता है वो सारे यहाँ पर शो कर देता है। उसके बाद रिचार्ज नाउ पर क्लिक करेंगे और अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो इससे रिचार्ज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कैशबैक भी मिल जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो जितने भी पैकेज जो भी यहाँ पर रहेगा सारे पैकेज दिखाई देगा, देख सकते हैं ऑल पैकेज पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कितना का रिचार्ज करेंगे तो कितना डाटा मिलेगा, सारे यहाँ डिटेल रहेगा। तो इसको देख लेंगे रिचार्ज अगर करना हो तो आपको। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद कैसे डेबिट कार्ड एटीएम को इस्तेमाल करके इसमें बैलेंस ऐड करना है चलते हैं जान लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं जो कि बैंक लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो बैंक जैसा क्लिक करेंगे बैंक पर देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में लिख दिया, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिखा रहा है आपको आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक में कितना आपका बैलेंस है। तो यहाँ पर शो करेगा तो मेरे में एक भी बैलेंस नहीं है और इसमें बहुत सारे कैशबैक मिलता रहता है कि जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है फ्लैशिंग हो रहा है। तो एक कैशबैक है जो कि रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, ट्रेन का टिकट, सारे चीज़ यहाँ से बुक कर सकते हैं जो कि यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ सारे चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑफर, इस पर क्लिक करके और यहाँ से देख सकते हैं ट्रेवल, रिचार्ज, रिचार्ज करना है रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, मेन्यू दिया हुआ है जो भी है यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑफ़र। तो यहाँ बहुत सारे ऑफ़र आते हैं इंटरटेनमेंट का ऑफ़र, तो ये सारे ऑफ़र यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ऑफ़र चेक कर लेंगे, उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद बैलेंस ऐड करने के लिए देख सकते हैं ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद जितना आपको बैलेंस ऐड करना है यहाँ पर टाइप करेंगे। तो चलिए मुझे एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ 1 रुपये ऐड करके, तो 1 रुपये टाइप कर दिया, आपको जितना भी ऐड करना होगा टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ टिक मार्क पर क्लिक कर देंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे बैंक आ चुका है और जो भी आपका बैंक से बैलेंस ऐड करना चाहते हैं बैंक से भी कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड ATM से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफर है मोर पर क्लिक करके यहाँ पर और सारे बैंक आ जाएगा, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जो भी बैंक आपका है वो बैंक ऐड करना चाहते हैं सर्च करके भी कर सकते हैं। और अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे, कोई भी ATM हो यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कार्ड पर और यहाँ फिलअप कर लेंगे ATM का डिटेल जो कि यहाँ पर ऊपर में सबसे 16 डिजिट का नंबर और यहाँ देख सकते हैं ATM जिसके नाम से उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ एक्सपायरी जो कि ATM पर होता है उसका एक्सपायरी यहाँ डाल देंगे, यहाँ CVV नंबर जो कि ATM के बैक साइड में 3 नंबर होता है यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए फटाफट हम अपना टाइप कर लेता हूँ, फिलअप कर लेता हूँ। तो हमने सारे चीज़ें फिलअप कर लिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे CVV नंबर, नेम और 16 डिजिट का नंबर। उसके बाद यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, चलिए क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और एक OTP आएगा उसी मोबाइल नंबर पर जो आपका बैंक में रजिस्टर होगा जिसका ATM है, तो वो यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो जस्ट आएगा अभी, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, देख सकते हैं डिटेक्ट कर लिया, आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग फीस हो रहा है रिक्वेस्टिंग और देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है 1 रुपये ऐड हो गया है, देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है। तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपीस दिखा रहा है या मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं, सारी चीज़ दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं, उस पर डन पर क्लिक कर देंगे।
तो फिर अपना होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं जो भी ऑफर, अब आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज पर क्लिक करके जैसे मैं बताया था वैसे करके रिचार्ज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।